Next one, swapping to integer numbers using third variables. Here we are practicing about arithmetic operator plus. Means all of applications you watch it, all are performing operations by using arithmetic operators. Same as in that case. इस केस में perform करना है swapping of two numbers. But here there is no need of any more plus operator in that one especially. Clear? But to solve the above problem we are having five ideas. Means अगर आपको swapping perform कराना, swapping of two numbers, swapping perform करने के total five different approaches हैं by using third variables or without using third variables or by using bitwise operators and so of them. Next, what is the idea behind swapping two numbers? Suppose that you are having two containers. Some containers having some elements inside container one and another container having some elements like a element two inside container two. Here we want to interchanging contents of container one and container two. Interchanging and interchanging means swapping. Means इस केस में परफॉर्म क्या करना है, कंटेनर वन का डेटा कंटेंट असाइन करना है कंटेनर टू. सिमिलरली कंटेनर वन में स्टोर कराना है एलिमेंट्स ऑफ कंटेनर टू, सॉरी कंटेनर वन के कंटेंट्स को कंटेनर टू में कॉपी करना है, कंटेनर टू के कंटेंट्स कंटेनर वन में कॉपी करना है. अगर आपके पास नॉर्मली टू कंटेनर अवेलेबल है इसका डेटा या कोई भी एलिमेंट इंटरचेंज करना है, इस केस में यूज क्या करें, सम थर्ड एक्स्ट्रा कंटेनर. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप डायरेक्टली एलिमेंट्स कंटेनर वन के एलिमेंट्स कंटेनर टू में पुट करोगे देन कंटेनर टू का एग्जिस्टिंग डेटा कंटेनर वन के डेटा से ओवरराइड होने के चांसेस होंगे. तो सबसे पहले बिफोर कॉपिंग दैट ऑपरेशंस, सबसे पहले कंटेनर टू का डेटा कॉपी करा लो सम एक्स्ट्रा कंटेनर, सम टेम्परेरी कंटेनर कॉल्ड एज कंटेनर थ्री. तो इस केस में आसान क्या कराएं, कंटेनर थ्री इक्वल्स टू एलिमेंट्स ऑफ कंटेनर टू. तो कंटेनर टू में क्या स्टोर करंटली, समथिंग एलिमेंट टू लाइक ई टू. नेक्स्ट वन सिमिलरली अब सबसे पहले ऑपरेशन क्या परफॉर्म करा है दैट वन, देन कंटेनर वन के एलिमेंट्स कॉपी किसमें करो, कंटेनर टू में. बिकॉज अब कंटेनर टू के अंदर कंटेनर वन का एलिमेंट कॉपी करना पॉसिबल, बिकॉज इन दैट केस अगर कंटेनर टू के अंदर कोई भी डेटा साइन करा दो फ्रॉम कंटेनर वन, कंटेनर वन में ऑलरेडी क्या है, समथिंग एलिमेंट वन, एलिमेंट वन इज कॉपीड इनसाइड कंटेनर टू. जस्ट कंटेनर टू के एग्जिस्टिंग एलिमेंट ओवरराइड हो चुके हैं विद कंटेंट्स ऑफ कंटेनर वन, लेकिन अभी भी आपके पास कंटेनर टू के कंटेंट्स ऑलरेडी अवेलेबल है इनसाइड कंटेनर थ्री. मीन्स नेक्स्ट वन, अब रिक्वायर्ड क्या है, कंटेनर वन के अंदर रिक्वायर्ड क्या है, एलिमेंट्स ऑफ कंटेनर टू. लेकिन कंटेनर वन के एलिमेंट कंटेनर टू के एलिमेंट्स अवेलेबल किस प्लेस पर है, कंटेनर टू के अंदर कंटेनर थ्री, कंटेनर थ्री. तो इसलिए कंटेनर वन में आसान क्या कराएंगे, एलिमेंट्स ऑफ कंटेनर थ्री. मीन्स इस प्लेस पर एग्जिस्टिंग क्या था, एलिमेंट टू, एलिमेंट टू इज रिप्लेस्ड बाई एलिमेंट वन. सिमिलरली सी थ्री में क्या स्टोर है, एलिमेंट टू आर कॉपीड इन साइड सी वन. सी वन मीन्स नाउ ई वन एलिमेंट वन रिप्लेस्ड बाई एलिमेंट टू लाइक दैट. सेम लॉजिक से अप्लाई करें फॉर स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स, लेकिन इस केस में स्वैपिंग परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड क्या, सम एक्स्ट्रा वेरिएबल्स और एक्स्ट्रा कंटेनर सी थ्री लाइक दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ मेनी इनपुट्स आर रिक्वायर्ड, देर आर टू इनपुट्स, मीन्स कंटेनर कंटेनर वन और कंटेनर टू. लेकिन इन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड क्या, सम हेल्पर कंटेनर मीन्स थर्ड वेरिएबल्स. तो टोटल वेरिएबल्स कितने रिक्वायर्ड, इस केस में थ्री वेरिएबल्स, समथिंग इंटीजर ए, इनिशियली मैं एज्यूम कर रहा हूँ वैल्यू ऑफ ए इज 10, बी इज समथिंग 20 और समथिंग थर्ड वेरिएबल इज टी लाइक दैट. टी मीन्स टेम्परेरी वेरिएबल और हेल्पर वेरिएबल्स. हेयर वी आर टेकिंग इनिशियल वैल्यू ऑफ ए बी इज 10, 20, बट यू कैन टेक इट एज अ बाई यूजिंग कीवर्ड यूजिंग स्कैनफ फंक्शंस. वी आर डिस्कसिंग ओनली आइडिया और लॉजिक्स. इनपुट्स लेने के आपके पास कई सारे मल्टीपल वे हैं, इस इनपुट डायरेक्टली भी असाइन करा सकते हैं और स्कैनएफ के थ्रू भी रीड करना पॉसिबल है. मोस्टली आप परफॉर्म करोगे ऑल ऑपरेशन डायनेमिकली टेकिंग डेटा फ्रॉम अ स्कैनएफ. नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल
जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के रिस्पेक्ट में टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने क्रिएट हो रहे हैं, देयर आर थ्री वेरिएबल्स, वेरिएबल ए, बी और टी, मींस एलोकेटिंग मेमोरी स्पेस फॉर ए, एलोकेटिंग मेमोरी स्पेस फॉर बी एंड एलोकेटिंग मेमोरी स्पेस फॉर टी। हियर इनिशियल वैल्यू ऑफ ए इज 10, इनिशियल वैल्यू ऑफ बी इज 20, इनिशियल वैल्यू ऑफ टी इज गार्बेज। नेक्स्ट वन, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले फिलअप क्या करेंगे, कॉपिंग कंटेंट्स ऑफ ए इनसाइड टी, मींस टी इक्वल्स टू ए, ऑलरेडी ए का वैल्यू 10 है, जनरेट 10 कॉपी किस में जाएगा, वेरिएबल टी में, नाउ टी बिकम्स 10। नेक्स्ट वन, सिंस वी आर सेविंग डेटा ऑफ ए इनसाइड टी, देयर वी आर एबल टू रिप्लेसिंग दिस कंटेंट्स बाय कंटेंट्स ऑफ बी। नेक्स्ट वन, ए में क्या कॉपी कर सकते हैं, ए के कंटेंट्स ओवरराइड करना पॉसिबल बिकॉज ए का डेटा ऑलरेडी टी में अवेलेबल है, देन इसमें कॉपी क्या करें, कंटेंट्स ऑफ बी, ऑलरेडी बी का वैल्यू 20 है, इसका मीनिंग क्या हुआ, 20 इज असाइन टू द वेरिएबल ए और कंटेनर ए लाइक दैट, नाउ 10 इज रिप्लेस्ड बाय 20, अभी भी आपके पास 10 अवेलेबल है इनसाइड टेम्परेरी वेरिएबल टी। नेक्स्ट वन, मीन्स ए में क्या एक्सपेक्टेड था, वैल्यू ऑफ बी, मीन्स ऑलरेडी अवेलेबल। नेक्स्ट अब बी में एक्सपेक्ट क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बी इज सिमिलर टू ए, इनिशियल वैल्यू ऑफ ए, लेकिन ए का इनिशियल वैल्यू 10 अब ए के पास अवेलेबल है, टी के पास अवेलेबल है, इट इज अवेलेबल इनसाइड टी, देयरफॉर बी इक्वल्स टू टी, टी का वैल्यू क्या है इस केस में 10, अब 10 इज असाइन टू द वेरिएबल बी लाइक दैट, मीन्स इनिशियली ए के पास क्या था 10 और बी के पास क्या था 20, आफ्टर स्वैपिंग ए बिकम्स 20 एंड बी बिकम्स 10, दिस इज लॉजिक्स अबाउट स्वैपिंग टू नंबर्स। देन डिस्प्ले क्या कराओगे, वैल्यू ऑफ ए बी बिफोर स्वैपिंग और आफ्टर स्वैपिंग, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी बिफोर स्वैपिंग 10 20, बट आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ ए बी बिकम्स 20, 10, दिस इज द लॉजिक्स फॉर स्वैपिंग टू नंबर्स by using third variables, then again we are making same program without using third variables, without using third variables. In previous case we are taking three variables a b and t, but in that case only we are using only two variables. First of all, allocating memory space for variable a and allocating memory space for variable b. Initial value of a and b is 10 20, then expected value kya hai, after swapping b becomes 10 and a becomes 20, this is the expected results. Means jab bhi aap programs create karoge, sabse pehle program kabhi aapko ek sath create nahi karna chahiye, sabse pehle iske one by one steps implement करो, उसके according corresponding memory में changes करेंगे, means memory means variables by using our logics. In that case सबसे पहले जब भी आप logics add करो तो logics किसके respect में add करें, respect to our expected results. तो expected value क्या है, here 20 is required inside A and 10 is required inside B. How to perform it, first of all displaying value of AB before swapping, printf before swapping value of AB, printf %d value of A is B, A and B is, जैसे पर्टिकुलर केस एग्जीक्यूट printf, तो printf के अकॉर्डिंग डिस्प्ले क्या होगा इस केस में, आउटपुट ऑन द मॉनिटर, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू, जैसे printf को चांस मिलेगा, printf से क्या डिस्प्ले होगा, बिफोर स्वैपिंग, आफ्टर दैट, नेक्स्ट वन सेकेंड printf डिस्प्लेइंग वैल्यू ऑफ ए बी, हेयर ए इज 10 बी इज 20, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी बिफोर स्वैपिंग 10 एंड 20, नेक्स्ट वन, अब स्वैपिंग परफॉर्म कराने के बाद अगेन डिस्प्ले कराएं वन मोर टाइम वैल्यू ऑफ ए बी, दिस इज द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। इन दैट केस, इस केस में डायरेक्टली आपके पास कोई कंटेनर अवेलेबल नहीं, तो अदर वे क्या है,
add that element and copy inside either A or inside either B. Like that way, A equals to A plus B. A and B का initial value क्या already 10 plus 20. 10 plus 20 becomes 30. 30 is assigned to the variable A. Here A is 10, B is 20. Then इसका addition क्या 30 और 30 copy किस में हो रहा है inside A. Now 10 is replaced by 30. Next one. After that, required का next one. B के अंदर संख्या कराना था initial value of A which is 10. Now we are losting 10. अब कहीं भी 10 found हो रहा क्या नहीं? Because 10 is replaced by 30. Currently A का value क्या है? 30. Next one. B में expect क्या है? 10. 10. Then next logic add करो. B equals to A minus B. A का current value क्या है? 30. B का value क्या है? 20. Then 30 minus 20 difference is 10. Difference 10 is assigned to the variable B. Now value of B is replaced by 10. B के अंदर expected value क्या था? 10. Found क्या हो रहा है? 10. Next A के केस में expected value क्या था? 20. अब 20 की found हो रहा क्या? नहीं, because 20 is replaced. Now how to achieving value of B? Same way. A equals to A minus B. A का existing value क्या है 30. B का existing value क्या है 10. 30 minus 10 is difference is 20 is assigned to the A. तो A में क्या assign हो जाएगा? Difference of them which is 20. Now 30 is replaced by 20. This is the new value of A. Now 30 is completely replaced. Then finally, इस expected value क्या था A का 20. Now A containing 20 and expected value of B is 10. Now A containing simply 10. Then finally displaying results again. Printf after swapping. Printf after swapping value of AB. After swapping. Then display value of AB again. Simple as simple manners. Printf %d value of A and B. This is the program for swapping two integers without using third variables. Here we are inserting without using third variables. This program sequence is 6. Okay. Copy it.